साल था 1942। इस समय वर्ल्ड वॉर टू अपने चरम पर था। जापान ब्रिटिश राज के अधीन म्यांमार और सिंगापुर पे कब्जा कर चुका था और अब बारी थी बंगाल की। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जापान को आगे बढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। इस समय ज्यादातर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को मिडिल ईस्ट में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया था, जिस वजह से अब वेस्टर्न फ्रंट पर फौज की कमी थी। लेकिन तभी अक्टूबर 1942 में बंगाल में एक बड़ा साइक्लोन आ जाता है, जिस कारण से जापान आर्मी को अपने कॉन्क्वेस्ट को रोकना पड़ता है। अब क्योंकि अंग्रेजों को पता था इस आपदा के खत्म होने के बाद जापानीज आर्मी फिर से आगे बढ़ेगी, उनके इस कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए चर्चिल, जो कि उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, मासूम बंगाली किसानों के जेनोसाइड की योजना बनाता है। साइक्लोन की वजह से बंगाल के किसानों के फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार बंगाल के किसानों से उनका बचा हुआ अनाज, उनके मवेशी, उनकी नाव, सब चीजें छीन ली जाती हैं और इन सारे रिसोर्सेज को यूरोप में लड़ रहे अंग्रेजी सोल्जर्स तक पहुंचाया जाता है। बंगाल के लोगों के साथ इतनी क्रूरता इसलिए की जाती है कि अगर जापानीज आर्मी अंदर आती है और बंगाल पे कब्जा करती है तो उनके हाथ कुछ भी ना लग पाए। इस सब के कारण से करीब 30 लाख से ज्यादा मासूम लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं।